Then let's start our first chapter of business studies class 12th, that is nature and significance of management. Ki management ka nature kya hai, significance kya hai, and first of all management kya hai. Dekhiye aapki previous class 11th mein aapne jo kuch bhi padha, that was all about business. बिजनेस क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, बिजनेस कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ ली. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मैनेजमेंट. कि मैनेजमेंट क्या है, हाउ इट इज़ डन एंड वॉट इज़ मैनेजमेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, मैनेजमेंट is the art of getting things done through others with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management एक ऐसी कला है, management is the art जिससे काम को किया जा सके, दूसरों की मदद से या दूसरों के through काम को करें, इस तरीके से करें कि जो हमारे goals हैं वो effectively और efficiently achieve हो जाएं. मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस कि जिसके थ्रू हम दूसरों से काम कराएं, दूसरों के हेल्प से हम काम कराएं, और हमारा काम इस तरीके से हो कि हमारे जो गोल्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अचीव कर पाएं. गोल्स जो हैं वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम अचीव करें, एक ऐसी आर्ट है मैनेजमेंट. ठीक है, तो मैनेजमेंट कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिससे आप अपना काम कंप्लीट करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ अदर्स या विद थ्रू अदर्स. फर्स्ट देयर आर टू न्यू वर्ड्स दैट आर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्या होता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली? देखिए, इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, समय पर काम को ख़त्म होने को हम कहते हैं इफेक्टिवनेस. अगर काम समय पर ख़त्म हो रहा है देन दैट इज़ इफेक्टिव. सपोज ऑफ एग्जांपल लेते हैं, योर गोल इज़ टू अचीव 90% इन क्लास 12th. ठीक है, आपको 90% क्लास 12th में अचीव करना है, ये आपका गोल है और इसके अकॉर्डिंग आपने मैनेजमेंट किया. नाउ इफेक्टिवनेस इज़ वॉट, कि आपने आपको इसी साल अचीव करना है 90%. अगर इस साल नहीं आया, अगले साल 95% आया, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. इसी साल कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कि एक साल में या कुछ पर्टिकुलर टाइम में हमें हमारा काम कंप्लीट करना है, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस. द नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, विथ मिनिमम, और कह सकते हैं नो वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा नहीं कि काम हमें कंप्लीट करना है तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट करके काम करें. ठीक है, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हम काम को कंप्लीट करें, वो होती है एफिशिएंसी. ठीक है, तो हमें मैनेजमेंट है हमारा क्या कहता है कि हमको गोल्स को किस तरह अचीव करना है, एक तो इफेक्टिवली जैसे कि टाइम पे, और एक एफिशिएंटली कि विदाउट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हम हमारे गोल को कंप्लीट करें. उस गोल को कंप्लीट करने के प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. के मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है, मतलब किसी पर्टिकुलर गोल पे वर्क करता है. देखिए, गोल कोई भी हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग गोल्स होते हैं. जैसे अगर किसी बिजनेस यूनिट की बात करें तो हमारा गोल है कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या हमको हमारी सेल्स बढ़ानी है, 10% सेल्स हमको बढ़ा देनी है, तो ये हमारा हो गया गोल. आप एक स्टूडेंट है तो आपको 90% लाने हैं, ये आपका हो गया गोल. तो मैनेजमेंट हमेशा किसी पर्टिकुलर गोल पे वर्क करेगा, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ गोल ओरिएंटेड. किसी पर्टिकुलर गोल के लिए मैनेजमेंट करेंगे. सेकेंड,
मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव कहने का मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल. हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्लेस पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है. चाहे वो आप किसी बिजनेस यूनिट को ले लें, किसी हॉस्पिटल को ले लें, इवन आपके स्कूल को ले लें या आपके होम को ले लें, हर जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. विदाउट मैनेजमेंट आप कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते. मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है. एक गोल अचीव हुआ, हम अगले गोल के लिए फिर से मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. अगला गोल अचीव हुआ, हम फिर से मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे कोई नए गोल के लिए. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होता. इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. हमने पहले ही बात की है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. दूसरों से काम कराना मैनेजमेंट है. तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. ये ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड है? जैसे कंपनी की बात करें तो कंपनी में कई तरह के अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग उनके गोल्स हैं और वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं. उन सब की एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है. इसीलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं. क्योंकि अकेला आदमी तो अपना मैनेजमेंट ईजीली कर लेगा, अकेले आदमी को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जब हमें सबके थ्रू काम करना है देन ओनली यू रिक्वायर्ड मैनेजमेंट. तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. नाउ, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. व्हाट इज़ डायनामिक? डायनामिक मीन्स इट चेंजेस विद एनवायरमेंट. मैनेजमेंट एनवायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे सपोज ऑफ अभी कोरोना आ गया, हमको नहीं आइडिया था कि कोरोना आएगा या ऐसा कुछ होगा, बट अचानक ऐसी सिचुएशन आ गई, वी हैव मूव टू ऑनलाइन क्लासेस. ये एक डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएंगे वैसे वैसे हम मैनेजमेंट को चेंज करते रहेंगे. मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. नेक्स्ट इज, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल कहने का मतलब है यू कॉन्ट सी और टच मैनेजमेंट. आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, बट यू कैन फील इट. आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं. किसी जगह के प्रॉपर अगर मैनेजमेंट है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ खुश हैं, वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छी कंडीशन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, देन यू कैन से कि वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. आप उसको फील कर सकते हैं. यू कैन नॉट टच और सीन मैनेजमेंट, बट यू कैन फील इट. तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं और मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो हमने आज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे मैनेजमेंट के. दैट्स ऑल फॉर नाउ. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट.